स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर द थर्ड लेवल एंड द राइटर इज जैक फिने। चैप्टर शुरू करने से पहले इसकी थोड़ी सी स्टोरी कर लेते हैं, लेकिन उससे भी जरूरी एक बात कि सब बच्चे अपना ध्यान रखें और अपने माता पिता का भी ध्यान रखें। अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो आते ही हाथ धोए और मास्क लगा कर जाए। इसमें मेन कैरेक्टर्स जो हैं चैप्टर में, तीन कैरेक्टर्स हैं। चार्ली है जो कि 31 ईयर्स ओल्ड है, लोइसा है जो कि चार्ली की वाइफ है, ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द नेम ऑफ चार्लीज वाइफ, ये लुइसा है। एंड सैम वेनर है। सैम वेनर एक साइकेट्रिस्ट है। साइकेट्रिस्ट कहते हैं मनोवैज्ञानिक को, यानी कि जो दिमाग की बीमारी हो जैसे डिप्रेशन है, टेंशन है, भाई किसी को चिंता लगी रहती है, तो वो किसके पास जाते हैं, कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। चैप्टर में चार्ली क्या है कि अपने प्रेजेंट से बहुत ज्यादा दुखी है। जब ये किस टाइम की बात है, वॉर के टाइम की बात है, जब प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, अपने उस स्थिति से भागना चाहते थे। जैसे जैसे अब कोविड के कारण लोगों घर में बंद हो गए, बहुत सारे लोग जो हैं डिप्रेशन या टेंशन में आ गए हैं, भाई कब इससे पीछा छूटेगा, कब हम पहले की तरह जो है घूम फिर सकेंगे। तो सेम चैप्टर में उसी कंडीशन से चार्ले गुजर रहा है और चार्ले जो है अपने पास्ट में जाना चाहता है, मतलब सुकून के साथ रहना चाहता है, वो शहरी जिंदगी को छोड़ना चाहता है और कहीं से शांति से रहना चाहता है। और इसी उधेड़ बुन में वो जो अपने पास्ट में पहुंच जाता है, इसको हम डे ड्रीमिंग भी कहते हैं, और वो उसका प्रूफ भी देता है कि भाई मैं अपने पास्ट से होकर आया हूँ। सैम वेनर इसको कहता है जो कि उसका मनोचिकित्सक, भाई तुम दुखी हो इसीलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई तुम थर्ड लेवल पे गए हो। इसमें पास्ट का नाम क्या है, थर्ड लेवल। पास्ट जो थर्ड लेवल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पास्ट को, क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे दो लेवल हैं। चार्ली तीसरे पे पहुंच जाता है जो कि है ही नहीं, इसीलिए थर्ड लेवल को किसका नाम दिया गया है, पास्ट का, क्योंकि थर्ड लेवल से वो किस में चला जाता है, अपने पास्ट में। ये मेन मेन से इसकी स्टोरी थी। लेकिन इसमें एक जो है प्रेजिडेंट का भी जिक्र आता है, प्रेजिडेंट रूजवेल्ट, प्रेजिडेंट क्लीवलैंड, प्रेजिडेंट गारफील्ड। ये एमसीक्यू में नहीं डिस्कस किए गए हैं इसलिए इनको मैं यहाँ बता देती हूँ। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो है स्टैंप कलेक्शन करते थे। इनका जिक्र कब आता है, जब चार्ली कहता है कि भाई स्टैंप कलेक्शन करना कोई भागना नहीं है अपनी रियलिटी से, क्योंकि रूजवेल्ट भी स्टैंप कलेक्शन करते थे, मेरे दादाजी भी करते थे, और चार्ली के दादाजी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, उनको अपने प्रेजेंट से भागने की जरूरत नहीं थी। प्रेसिडेंट क्लीवलैंड का जिक्र कब आता है, जब वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। जब थर्ड लेवल पे जाता है तो उसे एक न्यूज़पेपर मिलता है द वर्ल्ड, और उस पे तारीख बाद में वो कंफर्म करता है, वो तारीख जून 11, मतलब 11 जून 1894 की है। तो वहां पे प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कोई टॉपिक आया हुआ है, किस पे, द वर्ल्ड न्यूज़पेपर में। ये थर्ड लेवल से रिप्रेजेंट करता है। तीसरा है इसमें प्रेसिडेंट गारफील्ड। प्रेसिडेंट गारफील्ड का जिक्र कब आता है, जब स्टैंप जो है एक फर्स्ट डे कवर आता है इसके पास, किसके पास, चार्ली के पास, फर्स्ट डे कवर के ऊपर, जो कि किसने भेजा है, सैम ने। उसके ऊपर प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर है, डेट भी लिखी हुई है 18 जुलाई 1894 की, और उसके ऊपर स्टैंप लगी है 6 सेंट की जो कि डल ब्राउन की। तो तीन प्रेसिडेंट का जिक्र आता है, रूजवेल्ट स्टैंप कलेक्शन करते थे, क्लीवलैंड का जिक्र, द वर्ल्ड न्यूज़पेपर का जिक्र जब आया थर्ड लेवल का तब आए थे, और प्रेसिडेंट गारफील्ड फर्स्ट डे कवर पे इनकी पिक्चर लगी हुई थी। ये एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हमारे क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज जैक्स फुल नेम, जैक का फुल नेम क्या था। जैक कौन है, हमारे चैप्टर के राइटर है, वॉल्टर ब्रेडन जैक फिने था, स्टीफन जैक, जॉन जैक था, रे डगलस ब्रैडबरी था, एंड नन। ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, वॉल्टर ब्रेडन जैक फेने। सेकंड क्वेश्चन, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल। जो थर्ड लेवल है उसका सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, मार्ले है, सैम है, चार्ली है, लोइसा है। तो इसका सेंट्रल कैरेक्टर चार्ली है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन। ये जो चैप्टर है इसकी थीम क्या है, ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म बिकॉज ऑफ द हॉर्स रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट, टाइम ट्रैवलिंग, थ्योरी ऑफ एस्केपिज्म, ए डायलॉग बिटवीन ए पेशेंट एंड ए साइकेट्रिस्ट। इसकी थीम है ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म बिकॉज ऑफ द हॉर्स रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट। ये क्वेश्चन 2 नंबर का, 5 नंबर का भी पूछा जा सकता है इस चैप्टर के ऊपर। तो चैप्टर में जो है ह्यूमन, आदमियों की जो एक मनोदशा सी होती है कि भाई जब भी उन्हें दुख होता है वो दुख से भागना चाहते हैं, तो ये चैप्टर के मेन थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द स्टोरी बिगिन। ये जो स्टोरी है कैसे शुरू होती है,
इन ए जोवियल मैनर, इन एन एग्रेसिव मैनर, ऑन ए हैप्पी नोट, इन ए सीरियस मैनर। स्टोरी जो है सीरियस मैनर से शुरू होती है। वेयर वॉज चार्ली ऑफन लॉस्ट? चार्ली हमेशा कहाँ पर गुम हो जाता है, मतलब कई बार चार्ली जो है अपने आप चलता चलता गुम हो जाता है, तो कहाँ से? फ्रॉम ए ट्रेन, फ्रॉम द फुटपाथ, फ्रॉम एन एस्केलेटर, फ्रॉम ए सबवे फास्टर देन बस एट द सेंट्रल स्टेशन। वो एक सबवे, सबवे होता है जैसे यह मेन गली है, इसके नीचे से क्रॉसिंग बना दे, उसे हम कहते हैं सबवे। ये सबवे जो है इससे ये हमेशा गुम हो जाता है। व्हाट डज चार्ली नॉट एडमिट? चार्ली क्या नहीं मानेगा या क्या नहीं एडमिट करता है? वो द अर्थ इज राउंड, दैट सनराइज इज इन द ईस्ट, द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज इन न्यूयॉर्क, दैट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज ओनली टू लेवल्स। चार्ली नहीं मानता कि भी जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके केवल दो लेवल है, क्योंकि चार्ली अपने दिवासवपन में कहां पर गया है, इसके थर्ड लेवल पे भी गया है। ये हमारी स्टोरी का मेन है, थर्ड लेवल। ये इसके तीसरे लेवल पे भी गया है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? तीसरा लेवल पास्ट को, पुराने टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये नहीं मानेगा कि भाई यहाँ पे दो लेवल, क्योंकि ये अपने चल के अपने दिवासवपन में कहां पे गया? थर्ड लेवल पे ही गया है। तो इसके अकॉर्डिंग तीन लेवल है। What happened when Charlie once got into a mile long tunnel? क्या हुआ? अभी जैसे हमने जिक्र किया था, चार्ली हमेशा गुम हो जाता है, तो एक बार वो एक टनल में घुस जाता है और कहाँ पर पहुंच जाता है? He reached a park, he remained there, he came up in the lobby of a hotel, he reached a school. He came up in the lobby of a hotel. Hotel. ये जो होटल भी कौन सा है? रूजवेल्ट। ये भी पूछा जा सकता है, वो कौन से होटल की लॉबी में निकलता है? रूजवेल्ट होटल की। और चार्ली जो है इस चैप्टर में तीन बार गुम होता है। एक बार वो गलती से अपना जब रास्ता भटक जाता है तो कहाँ चला जाता है? लॉबी ऑफ ए होटल। सेकेंड टाइम जब वो रास्ता भटक जाता है तो कहाँ पर चला जाता है? ऑफिस में चला जाता है, किसी ऑफिस की बिल्डिंग में घुस जाता है वो। और एक बार वो कहाँ पर चला जाता है? थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है, थर्ड लेवल पे। तो ये चैप्टर में जरूरी है, आ सकता है, आपसे पूछे जा सकते हैं कि पहली बार वो जो माइल लॉन्ग टनल में घुसा कहाँ पहुंच गया? रूजवेल्ट होटल की लॉबी में। एक बार वो कहाँ चला गया? किसी ऑफिस में चला जाता है। और एक बार वो कहाँ पहुंच जाता है? जब वो जल्दी जल्दी जा रहा होता है तो कहाँ पहुंच जाता है? थर्ड लेवल पे। व्हाट हैपेंड व्हेन वन डे चार्ली इज इन हरी टू कैच द ट्रेन? अभी भी बताया था, जब उसको कैच मतलब ट्रेन पकड़ने की जल्दी होती है तो वो कहाँ पहुंच जाता है? ही मिसेज द ट्रेन, ही रिचेज द थर्ड लेवल, ही रिचेज हेवन, ही रिचेज ए विलेज, ही रिचेज द थर्ड लेवल। वो तीसरे लेवल पर पहुंच जाता है, जबकि वास्तव में कितने लेवल है? तो वो कहाँ पहुंच जाता है? थर्ड लेवल पे। कहाँ के थर्ड लेवल? स्टेशन के। ये रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं, स्टेशन के तीसरे लेवल पे पहुंच जाता है। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन बूथ एट द थर्ड लेवल मेड ऑफ? जो थर्ड लेवल है उस पे इंफॉर्मेशन बूथ किसका बना हुआ है? वुड का है, कंक्रीट का, स्टील का, क्लोथ का, वुड का, लकड़ी का बना हुआ है। व्हाट डज चार्ली रियलाइज व्हेन ही फाइंड्स एवरीवन वेयरिंग ओल्ड फैशन्ड क्लोथ? क्या लगता है जब वो देखता है कि सबने पुराने कपड़े पहन रखे हैं, पुराने टाइप के फैशन के? पीपल आर ओल्ड फैशन्ड, दे आर एक्टर्स, ही रीच्ड द पास्ट, ही हैज रीच्ड अफ्रीका, ही रीच्ड द पास्ट। कहां पर? थर्ड लेवल पे। थर्ड लेवल पे सबने कैसे कपड़े पहन रखे हैं पुराने फैशन के, तो वो समझ जाता है कि भाई वो अपने पास्ट में आ गया है। हाउ डज चार्ली मेक श्योर दैट ही हैज रीच्ड द पास्ट? ही सीज द साइन बोर्ड, ही आस्क ए पैसेंजर, द पुलिसमैन टेल्स हिम, ही सीज द डेट ऑन द करंट न्यूज़पेपर। वो करंट न्यूज़पेपर के ऊपर डेट देखता है, जिससे उसे पता लगता है कि भाई वो अपने पास्ट में आ गया है। व्हेन चार्ली नोज दैट ही हैज स्लिप्ड इनटू पास्ट, वेयर डज ही वॉन्ट टू गो? चार्ली को जब पता लगता है कि भाई वो अपने भूतकाल में आ गया है, तो वो कहाँ जाना चाहता है? टू चिकागो, टू गेल्सबर्ग इन इलिनियोस, टू अमेरिका, टू सिंध। वो जाना चाहता है टू गेल्सबर्ग इन इलिनियोस। गेल्सबर्ग इसमें किसको रिप्रेजेंट करता है? पीस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उस टाइम वहां पे लोग बड़ी शांति से रहते थे, आप एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे इलिनियोस पे। और यहाँ से इसका क्या बीता था? इसका चाइल्डहुड बीता था। किसका? चार्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड चार्ली लिव इन गेल्सबर्ग? चार्ली गेल्सबर्ग में कब रहता था? इन हिज चाइल्डहुड, व्हेन ही वर्कड इन एन ऑफिस, इन हिज कॉलेज डेज, इन हिज ओल्ड एज, इन हिज चाइल्डहुड। फॉर विच प्लेस डज चार्ली वॉन्ट्स टू परचेज टिकट? किस जगह के लिए चार्ली जो है टिकट खरीदना चाहता है? गेल्सबर्ग के लिए, अमेरिका के लिए, गेल्सबर्ग के लिए, मुक्तेश्वर? वो गेल्सबर्ग के लिए खरीदना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट कन्विंस चार्ली दैट ही हैड रीच्ड द थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड नॉट द सेकंड लेवल? किस चीज से उसे पक्का विश्वास हो जाता है कि वो तीसरे लेवल पे आ गया है? डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ गैस लाइट्स एंड ब्रास पीटोन्स, बियर्ड्स एंड मस्टेज ऑफ 1894, न्यूज़पेपर्स विद अ डेट क्या 11 जून 1894, ऑल ऑफ दिस।
तो ये सारी चीजें वो देखता है, वो देखता है एक बिल्कुल अलग सा ही संसार है, अलग सी गैस मतलब अलग सी लाइट है जो वहां पर लगा रखे हैं स्टेशन पे, पीतल के थूकदान स्पिटून्स होते हैं, डस्टबिन टाइप कह सकते हो जिसमें थूका जाता है, लोगों की जो ढाड़ी है और जो मूछ है वो भी पुराने टाइप की है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सबकी मूछें थी, न्यूज़पेपर था वो भी डेट उस पे क्या लिखी हुई थी 11 जून 1894। तो इन सब से उसे पता लगता है, कंफर्म हो जाता है वो कि वो पुराने टाइम में पहुंच गया। ये सारे पूछे जा सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द बुकिंग क्लर्क थ्रेटन टू गेट चार्ली अरेस्टेड। बुकिंग क्लर्क जो था थर्ड लेवल पे, वो चार्ली को क्यों कहता है कि भाई मैं तुम्हें पुलिस में पकड़वा दूंगा। ही थिंक्स चार्ली इज ए थीफ, ही थिंक्स ही इज ए रोबर, चार्ली ट्राइड टू रोब हिम, ही थॉट दैट द नोट्स ऑफर्ड बाय चार्ली वर फेक। क्योंकि चार्ली कहाँ से आया था, प्रेजेंट से, बहुत टाइम पहले मतलब आगे का। इसमें नोट क्या है बदल जाते हैं, जैसे अपने यहाँ नोटबंदी होने के बाद 500 के और 1000, 500 के या 2000 के नोट जो है अलग आगे पहले दूसरे थे, अब अगर हमें पहले वाले नोट दें तो वो क्या हो जाएंगे, नकली। तो इसी प्रकार चार्ली जो है अपने टाइम के नोट जब उसको देता है बुकिंग क्लर्क को, तो चार्ली उसे धमकी देता है कि भाई तुम मेरे मूर्ख मत बनाओ, ये नोट नकली है और तुम पकड़े जाओगे, तुम बच के नहीं जाओगे। ही थॉट दैट द नोट्स ऑफर्ड बाय चार्ली वर फेक, नोट जो है नकली है, जब वो टिकट खरीदने के लिए पैसे देता है। हाउ डज चार्ली कम बैक टू द प्रेजेंट, कैसे आता है वो अपने वर्तमान में। द बुकिंग क्लर्क पुशेस हिम, ही फॉल्स ऑन द प्लेटफॉर्म, ही रशेस फ्रॉम द बुकिंग विंडो, हिज वॉइस ही रशेस फ्रॉम द बुकिंग विंडो। जब वो कहता है कि भाई पुलिस पकड़ लेगी तो वो डर जाता है, क्योंकि 1894 की जब बात है उस टाइम जेल जो है कोई अच्छी नहीं होती थी, ये जिक्र आया है पार्ट में। चार्ली कहता भाई जेल कोई अच्छी जगह नहीं थी रहने की, इसीलिए वो सोचता है कहीं पुलिस ना पकड़ ले, वो वहां से भागता है, और जब भागता है तो वो अपने प्रेजेंट में आ जाता है। बट डज द साइकेट्रिस्ट एक्सप्लेन टू चार्ली, अब ये बात जब वो साइकेट्रिस्ट को बताता है तो साइकेट्रिस्ट चार्ली को क्या कहता है, थर्ड लेवल इज ए ब्यूटीफुल प्लेस, थर्ड लेवल इज वर्थ सीइंग, थर्ड लेवल इज वेल मेंटेन, दैट इट वाज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ हिज माइंड। उसका साइकेट्रिस्ट कहता है, मनोवैज्ञानिक कहता है कि भाई तुम्हें थर्ड लेवल नहीं गई, तुम्हें ऐसा सोचा क्योंकि ये तुम्हारी स्ट्रेस, जो तुम परेशान हो और जो तुम दुखी हो एंजाइटी के कारण, तुम्हारे माइंड में जो स्ट्रेस चल रहा है उसके कारण तुम कहाँ पर पहुंच गए, थर्ड लेवल पे पहुंच जाते हो। तो इसका साइकेट्रिस्ट इसे ये कहता है कि रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ हिज माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होम डज चार्ली टॉक अबाउट द थर्ड लेवल, किसके साथ वो बात करता है थर्ड लेवल के बारे में, पुलिसमैन को, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को, हिज वाइफ को, लीडर को। वो अपने फ्रेंड को बताता है जो कि साइकेट्रिस्ट भी, कि भाई मैं थर्ड लेवल गया था कल, तो उससे डिस्कस करता है ये बात। बट डज चार्ली साइकेट्रिस्ट फ्रेंड थिंक अबाउट चार्लीज व्हेन ही टॉक अबाउट द थर्ड लेवल, चार्ली के बारे में चार्ली का जो साइकेट्रिस्ट है, कौन है चार्ली का साइकेट्रिस्ट, सैम है, वो क्या कहता है उसे, चार्ली इज सेड, चार्ली इज मैड, चार्ली इज बी फूलिंग हिम, चार्ली हैज बीन डेड ड्रीमिंग। वो कहता है भाई तुम जो है दिवा स्वप्न ले रहे हो, तुम दिन में स्वप्न देख रहे हो। बाय डज चार्ली बाय ओल्ड करेंसी नोट्स, चार्ली जो है ओल्ड करेंसी नोट क्यों खरीदा और कितने के खरीदा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 300 रुपए की ओल्ड करेंसी खरीदता है जो कि इसके बैंक अकाउंट में थे और इतने ही पैसे थे इनके पास, उनके ये क्या खरीद लेता है, ओल्ड करेंसी नोट खरीदता है, क्यों खरीदता है। ही इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग ओल्ड नोट्स, ही लाइक सच नोट्स, ही वॉन्ट्स टू यूज द नोट्स इन द थर्ड लेवल टू गिव हिज फ्रेंड, ही वॉन्ट्स टू यूज द नोट्स इन थर्ड लेवल। वो पुराने टाइम के नोट जो है चाहता है कि ताकि वो थर्ड लेवल पे जाके अपनी टिकट खरीद सके गेल्स वर्थ की। व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट डे कवर क्या है। ए न्यू स्टैम्प गेट्स द पोस्ट मार्क एंड डेट, ए गिफ्ट रैपर, ए गिफ्ट रैप्ड इन ब्यूटीफुल रैप, ये तो है नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या है, ए। ए न्यू स्टैम्प, जब भी कोई नई स्टैम्प आती है तो लोग क्या करते हैं, वो नई स्टैम्प लगा के एक लेटर जो है अपने ही पास भेज लेते हैं, मतलब वहां से पोस्ट करके अपने पास भेजते हैं, तो जब पोस्ट करते हैं तो उस पे क्या आ जाता है, डेट आ जाती है उसी दिन की। नई स्टैम्प उसमें खाली लिफाफा होता है और उसके अंदर क्या डालते हैं, खाली कागज डालते हैं उस लिफाफे के अंदर, सिर्फ किसी लिए कि वो स्टैम्प भी आ जाए उनके पास, उसके ऊपर डेट भी आ जाए मोहर के द्वारा, तो उसे कहते हैं फर्स्ट डे कवर। ए न्यू स्टैम्प गेट्स द पोस्ट मार्क एंड डेट, इसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट डे कवर, इसके अंदर खाली कागज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर ऑफ द पास्ट डज चार्ली वॉन्ट्स टू गो, कौन से पास्ट के कौन से साल में चार्ली जाना चाहता है, 1894 में। वन ऑफ चार्लीज फ्रेंड डिसअपीयर्स, व्हाट इज हिज नेम, चार्ली का एक दोस्त
गुम हो जाता है, उसका क्या नाम है, सैम वेनर है, लोइसा है, वैम वेनर है, पीटर जोन है। इस चैप्टर में तीन ही मेन कैरेक्टर्स आए हैं, लोइसा है, सैम वेनर है और चार्ली है। तो सैम वेनर जो कि साइकेट्रिस्ट भी है, चार्ली का फ्रेंड भी है, ये एक दिन गायब हो जाता है। हाउ डज चार्ली कम टू नो दैट सैम वेनर हैड स्लिप्ड इनटू द पास्ट? कैसे चार्ली को पता लगता है कि सैम वेनर भी अपने भूतकाल में चला गया है? फ्रॉम हिज वाइफ, फ्रॉम द पुलिस, फ्रॉम अनदर फ्रेंड, फ्रॉम एन ओल्ड डेट पोस्टेज स्क्वायर। उसे एक ओल्ड डे पोस्टेज कवर, जिसे हम फर्स्ट डे कवर भी कहते हैं, उससे पता चलता है कि भाई चार्ली सैम जो है अपने पास्ट में चला गया। क्योंकि फर्स्ट डे कवर में क्या होता है, मैंने अभी अभी बताया था, खाली कागज होता है, उसपे कुछ लिखा नहीं होता है। लेकिन एक दिन जब चार्ली अपने स्टैंप कलेक्शन देख रहा था, तो उसे क्या मिलता है, फर्स्ट डे कवर मिलता है, जिसके अंदर एक लेटर होता है, खाली नहीं होता कागज, लेटर होता है। और वो लेटर किसने लिख रखा होता है, सैम ने लिखा होता है, और उसके ऊपर डेट भी क्या होती है, 1894 की डेट होती है। बट इज सैम्स लेटर टू चार्ली रिप्रेजेंट? सैम का जब पत्र चार्ली को आता है तो वो क्या दिखाता है, ब्लेंड दिखाता है, रिसेप्टेंस टू विजिट दिखाता है, प्रूफ ऑफ हिज फैंटेसी, ये ब्लेंड ऑफ रियलिटी विद फैंटेसी, ये दिखाता है ब्लेंड ऑफ रियलिटी विद फैंटेसी, वास्तविकता को वो अपने सौपन के साथ जो है फैंटेसी होता है इमेजिनरी वर्ल्ड उसके साथ मिक्स कर देता है। बट इज सैम्स लेटर टेस्टिमनी टू इन द लेसन प्रूविंग? सैम का जो लेटर है वो क्या प्रूव करता है इस चैप्टर में? हिज एक्सेप्टेंस टू ट्रेवल, हिज रिफ्यूजल टू ट्रेवल, सैम अकंपनिंग चार्ल्स, चार्ल्स टेंडेंसी ऑफ एस्केजम फ्रॉम द रियलिटीज। चार्ल्स की जो टेंडेंसी है एस्केजम भागने की, मतलब वर्तमान से भागने की, उसको ये दिखाता है। इन व्हाट वे डू वी ट्राई टू ओवरकम द इनसिक्योरिटीज ऑफ द प्रेजेंट हार्श टाइम? प्रेजेंट वर्ल्ड जो कि बहुत ज्यादा तकलीफ वाला है, मानसिक संतुलन लोगों का जब हिल जाता है, जब मानसिक रूप से लोग परेशान होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? बाय एंगेजिंग आवर सेल्फ इन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, बाय टॉकिंग टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, रीडिंग गुड बुक्स, ऑल दिस। हमें ये सारे काम करने चाहिए, हमें अपने आप को बिजी भी कर लेना चाहिए, दोस्तों के साथ और परिवार के साथ बात करनी चाहिए, और रीडिंग गुड बुक्स ये करना चाहिए हमें प्रेजेंट की दुख दर्द को भुलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1894 इन द लेसन? 1894 किसको रिप्रेजेंट करता है? इट वाज पास्ट, ऑथर्स पेरेंट्स वर अलाइव, ऑथर्स चाइल्डहुड टाइम, रिप्रेजेंटिंग ए पीसफुल रोमांटिक एंड लिविंग टाइम। 1894 में जिंदगी बहुत शांति से और बहुत अच्छे से गुजरती थी। डज द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट एज ग्रैंड सेंट्रल? यस यस देयर आर थ्री, नो देयर आर ओनली टू लेवल एट द स्टेशन। नहीं, वहां पर केवल दो ही लेवल थे, तीसरा लेवल इमेजिनरी लेवल है, किसका, चार्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैड सेंट दैट फर्स्ट डे कवर? हु हैड सेंट, किसने भेजा फर्स्ट डे कवर एंड व्हेन? सैम्स फादर, सैम्स अंकल, सैम्स फ्रेंड, सैम ए साइकेट्रिस्ट इन 1894। सैम एक साइकेट्रिस्ट था जिसने 1894 में वो फर्स्ट डे कवर भेजा था। किसके पास भेजा था? चार्ली के पास भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द लेटर स्टेट? That everything is okay, that Sam is joining them, third level to exist, and Charlie was advised to keep looking at this worth simpler none. That third level to exist and Charlie was advised to keep looking at this worth sink place. What was Sam invited for according to the letter? Sam ko फर्स्ट डे कवर में जो लेटर भेजा था सैम ने, उसके अकॉर्डिंग सैम को किस लिए बुलाया गया था? फॉर ए पार्टी, फॉर ए टी पार्टी, फॉर ए बैचलर पार्टी, फॉर ए लेमिनेट पार्टी, फॉर ए लेमिनेट पार्टी। क्योंकि ये जो टाइम था 1894 का, बहुत ही अच्छा टाइम था, लोग आपस में मेल जोल से रहते थे और आपस में शाम को सारे इकट्ठे होते थे, तो नींबू पानी की वो पार्टी करते थे, और सैम को भी उसमें बुलाया था कि आ जाओ सारे मिलके बात करेंगे। बट अनयूजल थिंग द नरेटर सेज एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कौन सी अजीब सी बात, ये हालांकि क्वेश्चन सबसे पहले आना चाहिए था। उसने क्या देखा? ट्रीज देखे, मोटर कार्स देखे, थर्ड लेवल, ऑल दिस, उसने वहां पर थर्ड लेवल देखा। देखो, जिनको अब तक भी स्टोरी समझ में नहीं आई, एक बार मैं फिर से कवर कर देती हूँ। इस चैप्टर में चार्ली जो है अपने वर्तमान से भागना चाहता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान है, और इसीलिए वो भागकर कहाँ पहुंच जाता है, थर्ड लेवल स्टेशन पे पहुंच जाता है। हालांकि वहां पर दो ही हैं, लेकिन उसको तीसरा, ये अपने इमेजिनरी उसमें जाता है, यानी कि अपने सपने में जाता है, जिसको ये प्रूफ मान लेता है। और इसका फ्रेंड सैम भी एक दिन ऐसे ही गायब हो जाता है, और उसको भी ये चार्ली क्या कहता है, वो जरूर जो है कहाँ चला गया है, गेल्सबर्ग में चला गया, 1894 में चला गया प्रेजेंट टाइम से। ये चैप्टर मेन है, इसमें बाकी सारी चीजें इसके साथ साथ एमसीक्यूज में डिस्कस कर ली गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल, किसने लिखा है थर्ड लेवल? पर्ल एस बक ने, जॉन अपडाइक ने, सुशन हिल ने, जैक फिने ने? ये लेटर लिखा है जैक फिने ने, पर्ल एस बक ने भी लिखा है। कौन सा चैप्टर लिखा है? द एनिमी। ये आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। द एनिमी जॉन अपडाइक ने लिखा है, शुड विजार्ड, शुड विजार्ड हिट मॉमी। ये चैप्टर किसने लिखा है? जॉन अपडाइक ने। सुशन हिल ने भी आपके 12th क्लास का ही चैप्टर लिखा। कौन सा लिखा है? ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना, पहली बार अगर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।